पंचनाओ में आप सभी का स्वागत है मैं हूं सुमित और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में आज प्रेशर रहा छः दिनों की लगातार तेजी के बाद मुनाफा वसूली आप कह करीजिए इंडिसीज में आज देखने को मिली एक परसेंट का बिकवाली निफ्टी सेंसेक्स दोनों में रही निफ्टी बैंक उतना ज़्यादा नहीं गिरा क्योंकि आज ड्राइविंग सीट पर गिरने में सबसे आगे था आई टी तीन साढ़े तीन परसेंट की बिकवाली यहाँ पर देखने को मिली स्पेशली इन्फोसिस के नंबर्स के बाद इन्फोसिस दस परसेंट तक टूटा लेकिन बाकी मिड कैप आई में जेंसार जैसी कंपनी के नंबर्स अच्छे थे तो उसका एक इंपैक्ट वहाँ पर रहा भी एम्फेसिस तेज़ी में था जेंसार तेज़ी में था कोफोर्स में भी गिरावट थी लेकिन उतनी नहीं थी इतनी इन्फोसिस में थी बाकी नंबर्स का रिएक्शन था अल्ट्राटेक नंबर्स आए उसके बाद पुल बैक आया वापस फ्लैट हुआ एच नंबर्स आए एच लाइफ नंबर्स आए नंबर्स के बाद बिकवाली आई इसके अलावा यूनाइटेड स्पिरिट्स नंबर्स आए नंबर्स के बाद अपना नया ऑल टाइम हाई एक हज़ार पचास पहुँचता हुआ दिखाई पड़ा तो इसलिए लग रहा था कि शायद उसमें बाइंग आ सकती है वो सात सौ की रेंज इसलिए क्रूशल थी उसके लिए एनी तो अब बाकी नंबर्स जो आने हैं, उसमें बड़े नंबर्स हैं एक एल एन टी का बायक अनाउंस हुआ आ सकता है ऐसी उम्मीदों के बीच में एल आज चला नंबर्स बड़े आने रिलायंस के आज शाम को सबसे क्रूशल नंबर अगले हफ्ते के लिए देन कम्स आई बैंक कोटक महिंद्रा बैंक टाटा स्टील आ, इनके नंबर्स आने वाले हैं एस आर एफ अतुल के नंबर अच्छे आए एस आर एफ के नंबर देखते हैं कैसे आते हैं जे एस डब्ल्यू के नंबर आए वो नंबर थोड़े बेटर साइड पे थे टाटा स्टील के नंबर देखते हैं कैसे आते हैं सो so, ये कुछ नंबर हैं से इनको बाजार किली वॉच करेगा गोइंग फॉरवर्ड चलिए अब सवाल जो आपका सिलसिला शुरू कर लेते हैं ये उम्मीद लगा रहा हूँ कि आज सवाल होंगे और एक दो पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा होंगे तो सवाल जो आपका सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है इन्फोएच फॉर लॉन्ग टर्म सर दो इन्फो एच वैसे तो चना साहब ठीक कंपनी है लेकिन इनके कोर बिज़नेस से ज़्यादा इनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यूज़ हैं आप ऐसे समझो कि ये जो जोमेटो के मूव और बाकी स्टार्टअप के मूव हैं उससे इसकी तेज़ी को ड्राइव हुआ था तो इनके कोर कारोबार से ज़्यादा बेटर इनकी ग्रोथ इसमें बाजार देख रहा है इनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यूज़ को लेकर बायबैक भी आ गया था वो सपोर्टिव हो गया इनके लिए तो ठीक है लेकिन छोटी इक्विटी है इसलिए भी चलने के लिए बड़ा प्रोबेबल कैंडिडेट है बट इस प्राइस इस रेंज में आपको बहुत अच्छे नाम मिल सकते हैं आप उनको तलाश लो ज्यादा बेटर है इंस्टेड ऑफ दिस ओके okay. रतन इंडिया एंड दावत दोनों को अवॉइड करिए कौशिक सर दोनों को ही मतलब रतन इंडिया को तो खास तौर से अवॉइड करिएगा क्योंकि ये बहुत ही वेल्थ डिस्ट्रॉयर रहा है विद टाइम रतन पावर रतन इंडिया रतन का वो दूसरा जो रिटेल वाली कंपनी थी ये वो इंडिया बुल्स ग्रुप है जब दोनों अलग हुए तो एक रतन हो गया और एक इंडिया बुल्स में चला गया तो रतन दो कंपनी के नंबर सपोर्टिव हैं या नहीं वो तो मैं कभी देखता ही नहीं क्योंकि कि पहले ही इन्होंने इतनी वेल्थ डिस्ट्रॉय कर दी थी तो इसीलिए आप बेटर यही है कि पुरानी हिस्ट्री तो इनकी बहुत ख़राब है नई हिस्ट्री के नंबर अब तो मैंने देखे नहीं एक बहुत पहले किसी फ्रेंड ने बोला था कि इनकी एक नासिक आ, में इनकी एक रतन पावर का बेसिकली एक नासिक में इनको पावर प्लांट दिलाना था उसे तो इसका बड़ा चर्चा आया था बीच में तभी चला भी बहुत था तो लेकिन उसके बाद फिर फिजल आउट हो गया तो इसलिए आप अवॉइड ही करिए ज्यादा बेटर और दूसरे केस में भी बहुत ज्यादा कोई फायावर्क है नहीं तो अवॉइड करिए ज्यादा बेटर है उसके लिए भी सीजी पावर सजेस्ट बाइंग लेवल एंड टारगेट लेवल एक साल एक साल विश्वास था मुझे ढाई साल हो गए स्टॉक को ट्रैक करते हुए कोविड से मैं ट्रैक कर रहा हूँ जब ये तेरह रुपये का था उसमें टर्नआउट स्टोरी पहली बार बनी थी तब और इसी प्लेटफॉर्म पर जो लोग पुराने कभी मुझे जानते होंगे देखते होंगे उन्होंने शायद शेयर ले भी रखे होंगे बेचे भी नहीं होंगे मैंने मतलब जितने लोग मैं उस समय जानता था मैंने सबको दिला दिया था सी जी पावर और आज सब लोग के पास हैं भी कुछ लोगों में कुछ निकल गए अपने एपेटाइट के हिसाब से बट इट्स अ गुड कंपनी वन मैं ये नहीं जानता हूँ कहाँ जाएगा बट इतना जानता हूँ कि वो अच्छी कंपनी है और आप उसमें पैसे डाल के बैठ सकते हो क्यों अच्छी कंपनी है इसलिए नहीं कि उसमें टर्न अराउंड हुआ ऐसा नहीं है टर्न अराउंड के बाद बहुत समय लग जाता है स्टेबल होने में भी तो तेरह रुपये से चल के चार सौ रुपये शेयर आ चुका है तो अब तक वो इतनी बड़ी स्टोरी बिल्ड हो चुकी है तो इतनी बड़ी स्टोरी के बाद समय लगता है रुकने के लिए तो अभी हो सकता है कि में भी चला जाए बहुत लंबे क्योंकि बहुत बड़ा मूव दिखा चुका है लेकिन अगर वो कंसॉलिडेशन आपको मिलता है तो आप उसका फ़ायदा उठाइए ऊपर की तरफ 420, 430 बीस चार सौ लास्ट पता है जब मैंने देखा था नीचे की तरफ 380 आता है 360 आता है तो किसी बुरे दौर में खराब रिजल्ट आ जाए तब अभी नहीं खराब रिजल्ट अगर दे दे क्योंकि हमेशा तो अच्छे रिजल्ट आ ही नहीं सकते किसी के भी कभी ना कभी तो खराब करेगा जो आज इन्फोसिस में हुआ तो किसी खराब रिजल्ट में आप नीचे इसको ऐड करिए तीन सौ साठ तीन सौ में एक्यूमलेट करिए और बैठे रहिए शांति से विद टाइम ये ट्यूब इन्वेस्टमेंट के साथ मर्ज हो जानी चाहिए ऐसा अनुमान है और जब तक ये एफेंडो में नहीं आ रहा तब तक तो इसके ठीक दिन है एफेंडो में आ गया तो पता नहीं सिचुएशन क्या बैठेगी लेकिन तब तक के लिए तो सिचुएशन ठीक ही लग रही है सो so, अभी आप वेट एंड वॉच और आराम से लीजिए लेकिन ये बैक ऑफ द माइंड में हमेशा याद रखिए कि ये शेयर ऑलरेडी बीस रुपए से चार सौ रुपए आ चुका है तो एक ड्रीम रन ऑलरेडी दिखा चुका है तो वो ड्रीम रन दोबारा चार सौ से चार की बनेगी या नहीं ये अभी कहना मुश्किल है इट्स टू अर्ली टू से ये इक्विटी साइज बड़ा है ओके आगे बढ़ते हैं अशोक लेलैंड फॉर लॉन्ग टर्म आयान नाइनटी फाइव शेयर एट 20 ट्वेंटी थैंक यू थैंक यू अरोड़ा साहब लेकिन बीस रुपए के दाम पर आपने खरीदा तो आपको क्या ही दिक्कत है फिर तो आप बैठे रहो अब लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो आपका दाम दोबारा नहीं आएगा अगर आएगा भी तो बहुत रेयर केस में आएगा और अगर आ गया तो उसको आप फिर यूज़ करेंगे डबल क्वांटिटी ट्रिपल क्वांटिटी लेने के लिए लेकिन अभी यह दाम नहीं आएगा दो बस हैं नंबर्स भी ठीक थे आज और दूसरा वो हिंदुजा फाइनेंस का आईपीओ की बातचीत भी है तो उस आईपीओ को लाने के लिए भी ये लोग थोड़ा काम कर रहे हैं आप ऑलरेडी बहुत बड़ा प्रॉफिट ले चुके हैं तो ये फ्री के ही शेयर मान लीजिए अपने मोटा मोटा ज़्यादा है तो 195 नाइन्टी फाइव है तो पंद्रह शेयर बेच दीजिए एक सौ अस्सी शेयर तो आपके फ्री के ही हैं सारे के सारे वो सारे शेयर अपने होल्ड कर दीजिए हमेशा के लिए कैपिटल का इस्तेमाल कर लीजिए कहीं और पैसा डालने के लिए लेकिन आ, क्वालिटी कंपनी है पुरानी हिस्ट्री है आज की नहीं मतलब अच्छी खासी पुरानी हिस्ट्री है और आप आराम से इसके अंदर बने भी रह सकते हैं मतलब एक मैं नाम मिस कर रहा हूँ लेकिन एक ग्रुप को बनाने के लिए जो अशोक लेलैंड के सीएमडी साहब थे जिनके नाम पे कंपनी अशोक साहब उन्होंने इस आ, ग्रुप को खड़ा किया था बाद में इसको हिंदुजा ग्रुप ने खरीद लिया वो बात अलग है लेकिन शुरुआत में जो अशोक जिनके नाम पे एक कंपनी पड़ी थी उन्होंने किसी एक ग्रुप को खड़ा भी किया था मतलब उन उ, उनका पूरा सपोर्ट था वो मेरी हिस्ट्री थोड़ी मिस हो रही है लेकिन ये अच्छी पुरानी हिस्ट्री है इस कंपनी की मतलब वो कॉमेट थ्री या थ्री अभी वो गाड़ी आई ना रॉयल एनफील्ड उससे पहले कॉमेट थ्री फिफ्टी बस आती थी वो थ्री फिफ्टी बस इन्हीं की थी पहली बस थी जो इन्होंने लॉन्च की थी वो ले लैंड के साथ मिलकर बनाई थी इन्होंने बाद में वो अलग हो गया टाइप तो या मतलब अशोक साहब जब निकल गया तब हिंदुजा ग्रुप आ गया इसके अंदर तो अभी भी अच्छी कंपनी अच्छा ग्रुप है आप बने रह सकते हो और फ्री के शेयर हैं वैसे भी तो आपको घबराने की जरूरत भी नहीं इसमें नीचे कहीं मिल जाए तो ऐड कर लिया आराम से ओके आ... बुक्ड सम प्रॉफिट इन इंसार बॉट लिटिल बिट इन्फोसिस एम्फेसिस बाइंग प्राइस से ऊपर आया है वॉट टू डू इन देम बने रहिए सर और इन्फोसिस के लिए एड करने के जोन्स ठीक हैं तीन सौ तेरह सौ बीस तेरह सौ दस ठीक जोन है जहाँ आवाज़ बंद भी हुआ लेकिन कोई भी स्टॉक में जब एकदम से रिएक्शन आता है किसी भी अर्निंग का तो वो एक दिन लास्ट नहीं करता वो कुछ समय तक लास्ट करता है तो लास्ट एज वो ज़रूरी नहीं निगेटिव ही गिरता रहे वो एक रेंज में खड़ा रहेगा एक दो दिन का पुल बैक लेगा फिर वो रेंज के अंदर रहेगा इन्फोसिस के केस में एक चीज़ समझ लीजिए कि इन्फोसिस बहुत क्लियरली ऐसे काम करता है कि वो अपनी गाइडेंस को बहुत तेजी से कट डाउन कर देगा फिर गाइडेंस को कट डाउन करने के बाद वो बहुत समय तक आ, उस गाइडेंस को बीट करता रहेगा क्योंकि आपकी उम्मीदी छोटी कर दी उसने जब तो ही कम हो गई तो उससे थोड़ा भी ज़्यादा करके देगा तो अच्छा ही लगेगा तो हर कुछ सालों में इन्फोसिस की गाइडेंस कम हो जाती है और फिर उसके बाद पे उसे बीट करता रहता है कुछ कुछ क्वार्टर तक तो ऐसा नहीं है कि इन्फोसिस ख़त्म हो गया है ये आज से मैंने ट्वीट इसीलिए किया था कि 21 परसेंट इसका मैक्सिमम फॉल है और आज ग्यारहवा सबसे बड़ा फॉल है दस का तो ऐसे फॉल देने के बाद भी वो वापस तीस परसेंट ही अपने ऑल टाइम हाई से दूर है और बायबैक भी कर ही रहा है सो कुछ लोगों ने लिखा ये भी कि ए आई का ज़माना है ये ख़त्म हो जाएगी कंपनी ए आई का ज़माना है खत्म हो जाएगी कंपनी कल ही एम ने एक आई की नई कंपनी खरीद ली तो जिसके पास मसल पावर है वो कभी भी जाके किसी भी कंपनी को एक्वायर कर सकता है एंड इन्फोसिस हैज़ दैट मसल पावर तो उससे कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है उनको हमसे ज़्यादा पता है कि वो क्या करने वाले हैं सो बेटर यही है कि ऐसे प्राइस का या ऐसे किसी बड़े रिएक्शन का इस्तेमाल करके आप आराम से एक्यूमुलेट कर सकते हैं ऐसे किसी क्वालिटी स्टॉक को लेकिन आज का रिएक्शन ओवर था हो सकता है क्योंकि फ्राइडे तो छोड़ी शॉर्ट कवरिंग से बच गया हो कल परसों में थोड़ा और रिएक्शन आएगा वो रिएक्शन का इस्तेमाल करके थोड़ा-थोड़ा आराम से आप कर सकते okay, अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं. इसी प्लेटफॉर्म पे जब आ, कभी मैंने बोला था कि यूनाइटेड स्पिरिट सही लग रहा है तो सबने वो लगता था कि मैं बायस दू स्टॉक को लेकर मैं बायस किसी स्टॉक को लेकर नहीं हूं बहुत साफ बात है बाइस बाजार को लेकर हूँ इंडियन स्टोरी को लेकर हूँ जो चीज़ सही दिख रही है देखने लायक बाय करने लायक जो लग रहा है कि इसमें डाउनसाइड लिमिटेड है उसको बोल देता हूँ कि ये सही लग रहा है मल्टीपल टाइम इसलिए बोलता हूँ कि शायद कुछ लोग नए जुड़े हों जिन्होंने ना सुना हो वो भी सुन ले कि ये सही लग रहा है देखा जा सकता है और क्योंकि कोई भी एंकर एक स्टॉक को रिकमेंड नहीं कर सकता एज़ पर सी गाइडलाइंस तो मैं स्टॉक रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ सिर्फ ये बता रहा हूँ उसका दाम ठीक लग रहा है आपकी चॉइस है लेना या ना लेना तो यूनाइटेड स्पिरिट सही लग रहा था सात सौ बीस सात सौ चालीस में मैंने वही कहा सही लग रहा है आपको देख लो लेना है तो ले लो नहीं लेना तो मत लो आई जस्ट सी अ नाइस प्राइस आई कैनॉट सी गुड बाइंग लेवल तो अच्छी कंपनी है मतलब आप खुद समझ लो क्या वरुण बेवरेजेस जैसी कंपनी को एक लाख करोड़ की मार्केट कैप मिल रही है विच इज लार्जेस्ट बॉटलर फॉर पेप्सी को DIGU की इंडियन सब्सिडरी को छप्पन हज़ार करोड़ पचास हज़ार करोड़ की मार्केट कैप मिल रही है हाफ तो ये तो लग नहीं रहा था मुझे कि ऐसा प्राइस में मिलना चाहिए वो भी इस तरह के डिमांड सी में तो मुझे लगा कि लगने लायक है लेने लायक लग रहा है लग रहा है कि ठीक ठाक शेयर है अच्छी कंपनी है चलना चाहिए यहाँ से स्टॉक एंड मैं 2012 नहीं 2008 हज़ार आठ नौ से इसको ट्रैक कर रहा हूँ जब ये विजय माल्या साहब की कंपनी होती तब से तो सिचुएशन वाइज लग रही थी ठीक और वो सही याद दिख गया अपना नया ऑल टाइम हाई काट गया अब आगे क्या होगा वो पता नहीं लेकिन नंबर्स अच्छे थे तो इसलिए ऑल टाइम हाई काट नहीं था दो क्वार्टर के अच्छे नंबर उसका रिएक्शन आपके सामने है बाकी लेकर कंपनी में नज़र रखिएगा एटलीस्ट ओके वेट करना ठीक रहेगा इन्फोसिस में जो नहीं खरीद सकते वो वेट करें ज्यादा बेटर एटलीस्ट जो इन्फोसिस में नई पोजिशन लॉन्ग नहीं कर सकते हैं वो घबराएं है नहीं पैनिक स्टेट में ना ऐसा पैनिक स्टेट नहीं है कुछ भी इन्फोसिस में दीपक फर्टिलाइजर में एंट्री की जा सकती है लेवल ठीक है थैंक यू भूटानी साहब थैंक यू मैं मतलब सबके सवाल नहीं ले पाता था तो उसके लिए माफी लेकिन आपसे बात हुई होगी थैंक यू कैन वी एड लिंडे इंडिया एट एंड के पी आई टी एट सी एम पी कोर पोर्टफोलियो स्टॉक अनिल सर लिंडे तो कर सकते हो आप कोर पोर्टफोलियो में लेकिन के पी आई टी मत करना के पी आई टी बहुत बहुत बड़ी तेजी दिखा चुका है आप सिर्फ गूगल कर उसका शेयर प्राइस ही देख लो गूगल में के पी शेयर प्राइस डाल दो अपने आप ही बता दिया कितना चला है वो उसका चार्ट आएगा लाइफ टाइम का या दस साल का चार्ट या पाँच साल का चार्ट खोल लो अपने आप ही आपको रियलाइज हो जाएगा जाए कि किस तरह के कि, किस तरह भागा है वो शेयर सो के अभी नहीं है पोर्टफोलियो में घुसाने लायक शेयर लेकिन आप टी ले लो उसके बदले में ज़्यादा बेटर है अब टी सी मेरा कोई फेवरेट शेयर नहीं है बिकॉज आप आईटी में पूछ रहे हो इसलिए मैं बता रहा हूँ और रही बात लिडे इंडिया ठीक कंपनी है लो इक्विटी स्टॉक है और ये थोड़ा स्लो चलने वाला स्टॉक है इंडस्ट्रियल गैसेज में कंपनी डील करती है हॉस्पिटल्स के बड़े क्लाइंट्स हैं और लास्ट में तेज़ी इसमें तब आई थी जब कोविड आया था क्योंकि तो उस टाइम पर डिमांड मेडिकल ऑक्सीजन की काफ़ी बढ़ गई थी लेकिन ये भी स्लो मूवर है और आराम आराम से चलता है इसमें कुछ बाय एक वो भी आया था शायद बहुत पहले लिंडे को डीलिस्ट कराने के लिए भी ऑफर आया था वो नाम भूल गया उस कंपनी का लेकिन फिर वो फेल हो गया था तो ये भी एक ट्रिगर बना रहेगा हमेशा ओवर इसके ऊपर कि अगर डीलिस्ट होता तो अच्छा प्राइस वहाँ पर मिल भी सकता है ओके okay, इसके अलावा टीसीएस और इन्फोसिस विच इज बेटर टू बाय एट दिस टाइम यशपाल सर 20 का मल्टीपल 25 हुआ था टीसीएस में और इन्फोसिस नहीं टीसीएस ज्यादा महंगा है अभी इन्फोसिस कंपेरिजन में तो इन्फोसिस सस्ता है कम्पेरेटिवली लेकिन फिर अगेन इन्फोसिस अभी मत देखो एक हफ्ता और रुक जाओ एक हफ्ते के अंदर दाम को देखते रहना कंटिन्यूसली नीचे नीचे जहां जहां मिले वहां वहां ऐड करना क्योंकि आज इमीजिएट रिएक्शन था तो इमीजिएट रिएक्शन तेज होता है थोड़ा उसका दर्द होता है ना चोट तेज़ लगती है तो इमीजिएटली चोट लग गई बहुत तेज़ दर्द होता है फिर धीरे धीरे उसका दर्द थोड़ा सबसाइड होता है लेकिन रहता है तो थोड़ा सबसाइड होने दीजिए जहां थोड़ा स्टेबल प्राइस मिले आपको लगे कि हाँ आप थोड़ा स्टेबल हो गया है प्राइस वहां एंटर करिए वो आपके लिए बहुत सही प्राइस हो सकता है बाय कैंडिडेट दोनों हैं कैश रिच दोनों हैं क्वालिटी मैनेजमेंट दोनों है सारा इंस्टीट्यूशन के पास इन्फोसिस है सारा प्रमोटर के पास टीसीएस कैश ज्यादा टीसीएस के पास है वैल्यूएशन ऑलमोस्ट बराबर है और क्वालिटी है और दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है सो so, दोनों का पैरामीटर आपके सामने ए आई के लिए अभी भी एक्सपैंड करना हो रहा है ये लोग अखबार कर लेंगे ऐसा इश्यू नहीं उसके लिए केमिकल सेक्टर के लिए हाँ टर्न अराउंड हो सकता है और थोड़ा थोड़ा आप फीयर का फायदा जो उठा रहे हो सिंह साहब सही कर रहे हो एक्चुअल में फीयर ही सही समय होता है उठाने का अभी फीयर मार्केट में पूरी तरह आया नहीं है लेकिन ये बात ध्यान रखना कि जैसे ही बाजार टूटना शुरू होगा आई टी शायद रेजिलियंट हो जाए क्योंकि आई टी ऑलरेडी टूटा पड़ा होगा उस समय पर या केमिकल ऑलरेडी रेजिलियट हो जाएगा क्योंकि जैसे ही एक लेवल तक तो एक चीज़ गिरेगी ऐसा नहीं है कि उसकी फिर फंडामेंटल वैल्यू आ जाती है फिर वैल्यू निकल आती है तो एक लेवल के बाद आगे कोई चीज़ टूटनी बंद हो जाती है अगर उसमें प्रॉफिटेबिलिटी सपोर्ट है तो लॉस मेकिंग कंपनी का कोई सपोर्ट नहीं होता वो कहीं तक भी जा सकता है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी सपोर्ट कर रही है तो उसमें वो सपोर्ट आ ही जाएगा प्रॉफिटेबिलिटी का अगर मतलब कोई कंपनी 100 करोड़ 200 करोड़ प्रॉफिट कमाती है तो एक लेवल पे आकर उसका वैल्यूशन इतना सस्ता हो जाएगा कि उसको कोई ना कोई उठा ही लेगा फंड्स की नजर में आ जाएगा बड़े निवेशों की नज़र में आ जाएगा सो ऐसा मत सोचिए लॉस में ही कंपनी में फियर रहता है प्रॉफिट वहीं कंपनी पर फियर नहीं होता वहाँ कभी भी नीचे गिरता रहे आराम से आप ऐड कर लीजिए पैनिक स्टेट का पूरा फायदा उठाइए इन्फोसिस मरे से मरे हाल में भी दस हज़ार करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमा के दे रही चालीस हज़ार करोड़ रुपए साल का प्रॉफिट आप खुद ही अंदाजा लगा लिए छोटी कंपनी है क्या चालीस करोड़ रुपए प्रॉफिट कमा के देने वाली मैं ये नहीं कह रहा कि इसके वैलुएन महंगे हो गए या चीज़ें खराब हो गई आगे नहीं देगा आगे की रेवेन्यू विजिबिलिटी खराब हो गई गाइडेंस खुद मैनेजमेंट कह रही है छमई खराब है किसने नहीं कहा सबने बोला कि सेकंड हाफ में हमारे नंबर बेटर होंगे इसमें खराबी है तो सेकेंड हाफ है ना अगर आपने उम्मीद ही नहीं लगाई लगा रही है बिल्कुल भी और थोड़ा भी परफॉर्म कर जाएगा तो उम्मीद तो अपने आप उम्मीद से बेहतर ही हो जाएंगे ना सो ये पहले भी कई बार कह चुके हैं कि ऐसे हमारे नंबर बहुत खराब हुए गाइडेंस कट की है इन्होंने फिर हो गए एक बारी कोई भी दिक्कत नहीं आगे ले लीएगा उसमें क्या एच सी एल एंड एच सी एल एंड कौन सा था कहाँ चला गया मिस हो गया ओके बालाजी एम एंड अलका एम बोथ आर ऑलमोस्ट स्लीपिंग नहीं अनिल जी केमिकल स्पेस वैसे भी वैसे चलता है थोड़ा थोड़ा उसमें जो धीरे धीरे साइक्लिकल मूव आता है उसमें तो साइक्लिकल मूव के हिसाब से आप इसे देखिएगा ऐसा नहीं है लेकिन दोनों में बेटर बालाजिए फिर इनके हिसाब जाना चाहिए और केमिकल के इस क्वार्टर के नंबर अच्छे आएंगे आगे का पता नहीं लेकिन इस क्वार्टर के नंबर ठीक लग रहे हैं ज़्यादातर बाजार के तो देखते हैं थोड़ा चलना चाहिए ऑलरेडी बीटन डाउन है वैल्यू बायो के किसी भी दिन चल जाएगा तो स्लीपिंग शेयर इन बुल मार्केट में शुगर पूरा ही चला वो भी तो सोया पड़ा है तो ऐसा नहीं होता कि सब कुछ चले जब वो चलेंगे तो कुछ और नहीं चलेगा तो ऐसे तो धीरे धीरे मूव आता रहता है और अकॉर्डिंगली आपको ट्रेड्स अपने डिसाइड करने होंगे उसमें लेकिन कंपनी में बालाजी ज्यादा बेटर है अलका एल के कंपेरिजन में चले फिलहाल अब इतने सवालों शामिल करूंगा माफी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा आपसे मुलाकात होगी अब सोमवार को आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं एट द मेरा ट्विटर हैंडल है और किसी भी निवेश से पहले आपने वित्त सलाहकार की राय जरूर ले लें नमस्कार